नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आध्यात्मिक जागृति के बारे में। यानी कि हमारे बहुत सारे अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद होते हैं और वेदों के अनुसार हमें कम ज्ञान होता है। अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो हमें भगवान के रूपों के बारे में और उनके क्या विशेषता है उनके बारे में भी पता चलता है। लेकिन हमें आधे अधूरे संस्कृति के बारे में पता है, हम अपनी ही संस्कृति के बारे में नहीं जानते। लेकिन कुछ ऐसी बातें होते हैं कि हम सिर्फ सोचते हैं और वह हो जाता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं जानिए इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, संयोग में वृद्धि। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप बातें कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी भी फैमिली में, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपस में सेम हो जाती हैं। जैसे कि आपने जैसे कहा कि मुझे कल वहाँ जाना है, तो अचानक ही किसी और ने भी बोल दिया कि मुझे भी वहीं जाना है। आपने क्या देखा था वो? हाँ जी, मैंने भी देखा था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बिल्कुल सिमिलरिटी में हो जाती हैं, यानी कि जो चीज़ आप सिर्फ सोचते हैं वो पल भर में ही पूरी हो जाती है। जैसे कि मैंने इच्छा की कि मुझे आज ये चीज़ चाहिए पापा, लेकिन पापा जी ने पहले ही आपको ला कर दे दी। मेरे साथ तो खासकर अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन आपके साथ होता है या नहीं ये तो आप ही जानते हैं। तो ये है संयोग वर्ष वृद्धि, यानी कि जो आप सिर्फ सोचते हैं वह आपकी इच्छा पल भर में ही पूरी हो जाती है। पर दो, अपने आप को खोजने की इच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें वह काम राज नहीं आता, यानी कि उनका मन नहीं लगता। वह उस काम को छोड़कर कोई और काम तलाशते हैं और उस तलाश में वह इधर उधर भटक जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि वह क्या खोज रहे हैं और किसके लिए खोज रहे हैं, और धीरे धीरे करके वह इतने अपने आप में खो जाते हैं कि वह अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को हद तक भूल जाते हैं और बातें करना भी कम कर देते हैं, और उन्हें ये नहीं पता होता कि वह अपने आप को बिल्कुल ही खो चुके हैं। नंबर तीन, आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं, लेकिन कुछ अचानक ऐसा हो जाता है जिसके कारण हम उनसे रुझान हो जाते हैं, यानी कि उनसे बातें नहीं करते, उनसे मिलते नहीं हैं और उनसे ज़्यादा बातें करना भी पसंद नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वह किस कारण से हो रहा है यह उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि यह उनके आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण होता है। यदि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो वह जागृत हो जाते हैं। नंबर चार, सटीक कारण। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी माता कुछ चीज़ को लेकर परिवर्तन और अपने आप को संकोच में ले लेती हैं, यानी कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, या फिर उसका एहसास हो जाता है और वह हमें बता भी देती हैं, या तो वह सपने के अनुसार बताती हैं या कैसे भी, लेकिन उन्हें पहले ही पता चल जाता है। यह उनका आध्यात्मिक ही ज्ञान होता है कि उन्हें उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है और वह हमें उस चीज़ से पहले ही आगाह कर देती हैं जो आगे होने वाला होता है। नंबर पाँच, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके एनर्जी में परिवर्तन आ जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि आप कभी जल्दी सो जाते हो तो कभी देर से उठते हो, और कभी देर तक जागते हो और रात में टहलना शुरू कर देते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, यानी कि वह आध्यात्मिक जागृति होती है जिसके कारण आपको बेचैनी सी महसूस होती है, और उस कारण से आपको टहलना रात को और फिर रात को बेचैनी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको आध्यात्मिक जागृति का पता होना चाहिए। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति के बारे में और लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ भी आध्यात्मिक गुण हो रहे हैं, यानी कि आने वाली जो भी कल्पनाएं होती हैं वह आपके साथ हो सकती हैं। जो सिर्फ आप सोच रहे हैं वह अक्सर में जिंदगी के ही पहलू होते हैं जिन्हें आप अपनी असल जिंदगी में जी रहे हैं। तो यह है वह लक्षण जो आध्यात्मिक जागृति को बताते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।